हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? अगर रोज एक ही तरह की सब्जी खाकर हो गए हैं बोर, तो चलिए आज कुछ अलग बनाएं। मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया है और दोनों तरफ से कट कर लिया है और बीच में मैंने एक कट्स लगाया। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। भिंडी के क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिया है 15-20 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक। इसको हम पीस लेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच आमचूर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच सौंफ पाउडर। अगर आपके पास सौंफ पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। भिंडी की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने सूखा हुआ नारियल ग्रेट कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच सिसमे सीड और 3 बड़ा चम्मच यहाँ पीसी हुई मूंगफली ली है। हम नारियल और सिसमे सीड को रोस्ट करके ग्राइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए कढ़ाई रख दी है, तब तक हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। गार्लिक चिली का पेस्ट बना लिया है, अब मैं यहाँ पे रोस्ट करने वाली हूँ। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ नारियल और सिसमे सीड। इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूने। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। अब बारी है स्टफिंग बनाने की, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। इसको थोड़ा गर्म होने दें। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड ऑनियन, इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैंने गार्लिक चिली जिंजर पेस्ट को भी भून लिया है अच्छे से। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। मैं यहाँ पे ये मसाले ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने मसाले लिए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा हमारा चॉप्ड धनिया। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन मसालों को मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो स्टफिंग के लिए हमारा मसाला रेडी है। हम भिंडी में स्टफिंग भर लेंगे। एक एक करके हम सारे भिंडी में स्टफिंग भर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे भिंडी में स्टफिंग भर लिया है। मैंने यहाँ पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तवा गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे ऑयल। हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लेती हूँ। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भिंडी को फ्राई करेंगे। हमें इसको रखना नहीं है, ऐसे बिना कवर किए इसको पकाना है, फ्राई करना है शैलो पर। भिंडी एक तरफ से पक चुकी है, अब इसको हम एक एक करके पलट लेंगे। हमने सारे भिंडी को पलट लिया है। मैंने सारे भिंडी को उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी होने लगी है। हमारी भिंडी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसको हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा भरवा भिंडी। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करें और चाव से खाएं।